नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और स्वागत है आप सभी का बिग थिंकर्स चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आज से भारत में बैन हो जाएंगे फेसबुक, व्हाट्सएप समेत ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? जानिए क्या है केंद्र की नई गाइडलाइंस। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप बैन होने वाला है, लेकिन आज एक न्यूज़ आया है। वो ये है कि पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों होने वाला था। इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था, जिसमें से अभी सिर्फ को ऐप ने इस गाइडलाइंस को लागू किया है। तो देश में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के करोड़ों यूज़र्स हैं। ऐसे में अगर इन यूज़र्स को पता चलेगा कि आज से ये सभी प्लेटफॉर्म्स बैन हो रहे हैं, तो क्या होगा? दरअसल कल यानी 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस को मंजूरी देने की डेडलाइन समाप्त हो गई है। वहीं अब केंद्र की नई इंटरमीडियरी गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में प्रतिबंधित किया जा सकता है। ट्विटर ने मांगा समय। वहीं इस गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म होने से पहले सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक ने अपने बयान में कहा है कि वह सरकार की नई गाइडलाइन का सम्मान करती है और इसे लागू करने को लेकर कार्यरत है। फेसबुक ने यह भी कहा है कि नई गाइडलाइन को लागू करने को लेकर उसकी सरकार के साथ चर्चा भी चल रही है। दूसरी तरफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है।